हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ वीडियो चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई ट्रिप ट्रुप से आ चुके हैं घर पे, बैक टू दी रूटीन हो चुका है। बट कार की हालत देख लो कितनी ही खराब हो रखी है, सत्यानाश बज रखे है, गंदी तो हो ही रखी है। नुकसान जो है वो अलग बात है, स्पॉइलर जैसे इसका उतर रखा है। इधर से पीपीएफ भी भाई फट रखी है पूरी, वो तो ब्लैक है इसलिए पता नहीं चलता। ये देख लो पेंट भी भाई इसका खराब हो रखा है। देखते हैं इसका भी कुछ जुगाड़ वगैरह करते हैं। और जेड ब्लैक तो बिल्कुल ही सफल रहे हम, जिसे कहते हैं ना जेड ब्लैक शीशों के साथ ट्रिप हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ भाई इनको रिमूव कर दूं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ जाती है और मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में भाई किसी की नहीं चलती, किसी कितने कॉन्टेक्ट हो कुछ हो, फुकरी मारने के लिए आ जाएगा कमेंट्स में, नहीं हमारी चल जाएगी, ये है वो है, अध्यक्ष है हमारे चाचा ये वो। बट नहीं भाई, चंडीगढ़ में जो रहते हैं उन्हें भी पता है क्या सच्चाई है क्या नहीं। चाहे कुछ हो, चाहे पुलिस में क्यों ना हो, नहीं चलेगी भाई आपकी। तो वही सारा चक्कर पड़ रखा है, मैं सोच रहा हूँ यार रिमूव कर देता हूँ, क्यों पंगों में पड़ना। कल तो चंडीगढ़ जाने जाना है, आज तो संडे था, पहले जाना था मैंने, बट इस चीज के कारण ही ना मैंने डिले करा। मैं कोई ना कल सुबह चल जाऊंगा। तो वही बातें हैं, जो चीज आपके काम पे इफेक्ट लाए ना उसको हटा देना चाहिए, और इस लाइन को ना आप डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। और यार लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा पंचर हमने लगवाया था, बट ये देख लो दूसरा टायर भी पंचर हो चुका है। पता नहीं कैसे दिन चल रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा मुझे तो यार। 19 हो रखी है, पंचर भी कराते हैं, और देखो कितने दिनों के बाद भैया मिले। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप भी घूमाए? मैं कहाँ घूम, मैंने सुना आप गए थे यूके तक, गए थे आप? नहीं गए, हरियाणा में घूम रहे हो? हरियाणा पंजाब में काम नहीं लगा। अच्छा, सीट आके कर लो, ये आएगा नहीं। फिर कैसे हो? कैसी रही ट्रिप आपकी? घुमाए? चलो भाई अब इस टायर की बारी, मतलब कि इस हफ्ते ना दो पंचर हमने लगवा लिए अलग अलग टायर में, इसमें लगवाया था उसमें लगवाया है, अब इसकी बारी, अब ये बचा है बस। पता नहीं क्या किस्मत है क्या नहीं। अब पंचर का तो आपको पता ही है भाई, कभी भी हो जाता है। ये लो भाई इसमें भी कील ही निकली, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था ना उसमें भी कील थी भाई। एक मिनट ना, ये लो ये री कील। क्या हो रहा है ये, कीलो से क्या रिलेशन है अपना भाई? वो बंटू बंटू नहीं बलदेव, ये भी बलदेव का ही काम है या विक्रम का, उसके चेले का, दोनों का। मुझे भी यही लग रहा, सालों ने दोनों पीछे के टायरों में डाल दी। कहाँ पे है, कहाँ पे क्या तभी नहीं है, किस चीज का भाई? ये दिख तो रहा नहीं क्या? अच्छा कील है, छोटी वाली कील होगी फिर ये। आड़े हाल है यार, क्या याद है अभी हफ्ते पहले भी मैं आपके पास ही आया था पंचर के लिए, है ना भैया? अगर परमानेंट कस्टमर हो आप तुम्हारे, रोज ही पंचर करवा के आ रहे हो। भाई ये देखना छोटी सी मिनी है, मेरे ख्याल से ये विक्रम का काम है, बाकी तो बलदेव के ही थे, वो बड़ी बड़ी कीले थी ना यार। ये देख लो हाल बेहाल है, दिख भी नहीं रही होगी आपको, ये देखो सैड। ये लो भाई पंचर अपना सही हो चुका है, अब सारे साइंस हट चुके हैं, अब बारी है वॉशिंग की। वो यार कार से अगर आप प्यार करोगे ना तभी कार आपको सामने से प्यार देगी। बिल्कुल ही इसे मेंटेन करके हम वापस से पार्किंग में खड़ा देंगे, फिर कल ही निकाल लेंगे, कल देखते हैं इसे लेके हम कहाँ जाते हैं। भाई एक तो वॉशिंग में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है वॉशिंग के बाद मैं निकलूंगा ना घर तक जाऊंगा, फिर से आप कहोगे भाई इतनी गंदी कैसे होगी। ब्लैक के जो डिसएडवांटेज है ना मेजरली वो यही है, और कुछ है ही नहीं। चलो भाई कार अपनी धुल के रेडी हो चुकी है, ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। बीच में बारिश वगैरह इतनी थी तो रिमूव भी नहीं मैं से कर पाया, बट अब रिमूव करते हैं यार, बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब कि काम में रुकावट इतनी आ रही है ना। मैंने अभी भी ना जाना है चंडीगढ़ की साइड, बट वही बातें हैं जा नहीं पा रहा, यही बात है। उतारू तो उतारू कैसे, अकेला हूँ मैं, कैमरा भी कैसे पकड़ूँ, मैं वो सोच रहा हूँ क्या करें भाई, उतार दूँ रिस्क ले लूँ। ये देखो भाई इधर से, भाई गम तो नहीं रह रही, थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, अब देखते हैं। इधर ही रख रहा हूँ भाई, निकाल तो दिए, अब इधर से देखते हैं। नीचे हल्की हल्की रह चुकी है, ये तो मैं बाद में कटर कुटर से निकाल दूंगा, एक वो है कि चंडीगढ़ जाने लायक हो जाऊंगा। सहना टना वो ये भाई, अगर आप भी लगा रहे हो तो आप उतारनी भी आपको आनी चाहिए, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। नाखून भी तभी नहीं काटे आज मैंने नहा के, मेरे को पता है यूज आएगा ये। ए, 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 ए हो जा,
ये देखो भाई पूरी उतर चुकी है। ये होती है भाई अच्छी फिल्म की क्वालिटी, बिल्कुल भी गम स्टिक नहीं हुई है। लास्ट टाइम जब मैंने कराई थी ना भाई वो कालका से कराई थी, बड़ी फुद्दू थी वो, बट ये भाई मानना पड़ेगा बंदे की भले फिनिशिंग नहीं थी बट क्वालिटी टिंट की अच्छी थी। अब इधर की भी उतार देता हूँ, इधर की वो ये है कैसे खरोचू, कैसे मेन दिक्कत होती है कि खरोचना औखा होता है इसे। एक बार मैं खरोचता हूँ, उसका तो सीरा निकला हुआ था। ये लो भाई इसका भी सीरा मैंने निकाल दिया, विंडो ओपन कर दिया, अब इधर से आप खींच दो। ये मैं आपको ना ट्रे बता रहा हूँ उतारने का, ताकि अगर आप ये करवा रहे हैं तो इजीली उतर भी जाए। कैसी आवाज आ रही है, ची ची ची, उतर जा, पूरी टाइट हो रखे। थंबनेल ले लेते हैं, अकेले तो आ रखे आज। रिमूविंग टिंट फ्रॉम माय वरना सैड। भाई मान गया क्वालिटी में बिल्कुल भी गम नहीं छोड़ी, बहुत ही बढ़िया भाई। वो अंकल अगर आप देख रहे हो ना, गुड वर्क, बस फिनिशिंग थोड़ी करनी सीख लो, वैसे काम अच्छा है आपका। आई मीन फिल्म की क्वालिटी आपने अच्छी चिपकाई थी मुझे। अब इधर से भी उतार देते हैं यार, वैसे जेड ब्लैक को मैं मिस तो बहुत ज्यादा करूंगा कसम से यार। अगर मैं भी किसी गांव वगैरह में रहता ना तो करा के रखता भाई, चंडीगढ़ में यार इतने कलेश है ना, क्या ही बताऊं मैं। अब इसका भी सिरा निकाल लो पहले। टना टना, नाखून ना काटने का डिसीजन ना मेरा बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। ये लो, ये देखो आ गई ना हाथ में। पहले थोड़ी आपने इधर कर लेनी है नीचे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कर लेनी है विंडो बंद, ताकि ये हाथ में आ जाए। ये लो जी, इसे इधर रख देते हैं। वाह यार बिल्कुल ही क्लीन। अब लास्ट बची है, इसको भी उतार देते हैं, इसका भी टाइ टाइ फूस कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं इसका भी। नाखून अगेन यूज में आते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से। देख रहे हो भाई कितनी इजीली मैंने सारी टिंट उतार दी है। अब ना आप एक बार खुद सोचो, अगर आगे पीछे भी होती तो कितनी डिफिकल्टी होती, मतलब कि आगे की तो चलो मैं मानता हूँ उतर जाती इजीली, बट पीछे ना भाई दिक्कत आती है। अगर वो ये पेस्टिंग के साथ आपका डिफोगर भी आपके हाथ में आ गया ना तो लेने के ना देने पड़ जाते, तो इसलिए ना मैं तो प्रेफर करता हूँ कि रियर विंडशील्ड में तो एटलीस्ट ना कराओ, फ्रंट में फिर वही दिक्कत आ जाती है विजिबिलिटी वगैरह की, इसलिए मैं विजिबिलिटी के लिए फ्रंट में भी नहीं कराता। बट ठीक है, जो है बढ़िया है। अब मैं फ्रीली, मतलब कि फ्री माइंडेडली ना जा सकता हूँ चंडीगढ़, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस एक दिक्कत की बात रह चुकी है जो पीछे नेट है, मतलब कि देख रहे हो कहाँ टिंट से नहीं हम डर रहे थे जब गए थे घूमने, और अब चंडीगढ़ जाने तो रियर नेट से भी डरना पड़ रहा है। वो ये भाई टाइम टाइम की बात है, टाइम किसी का सगा नहीं होता, ये बड़े बुजुर्गों ने ना सही बात कही है। बट अब बैक टू द बेसिक हो रखा है काम। वाओ यार ऐसे लग रहा है वरना नंगी नंगी कर दी। बट ये बात है अब रोशनी अच्छी आ रही है, क्या मतलब मेरा रंग साफ लग रहा होगा आपको, बट ऑन अ सीरियस नोट अब मैं सोच रहा हूँ जैसे मैंने स्कॉर्पियन में करा रखी है ना ग्रीन टिंट, वही कराऊंगा। बट यार इसकी क्वालिटी यार अच्छी है, मतलब कि 1200 रुपए में बढ़िया काम करा था अंकल ने। अगर कभी कभी मन करे दो तीन दिन के लिए करा लो। अब उतारने का तो हमें पता चल ही गया कैसे उतरती है, एंड आई होप आप सबको भी पता चल गया भाई अगर आपको उतारनी है इजिली ये उतर जाती है। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया, ज्यादातर आपने देखा होगा लगाते कैसे हैं, बट मैंने सोचा भाई अब लगाई है शौक पूरा करें, उतारने की बारी आ गई है तो उतार देते हैं। विद दैट सेट टिंट के साथ अपना सफर, आई मीन फिल्मिंग के साथ अपना सफर इधर ही खत्म होता है। एक मोटा चलान करा दिया था, 1200 रुपए का हुआ था ये टिंट फिल्म वगैरह, अब हट चुके हैं। पैसा तो देखो लगा, बट इसे कहते हैं ना शौक की कोई कीमत नहीं होती, वो चीजें हैं, शौक भी पूरा हो चुका है अब। मतलब कि 7-8 महीने मुझे जेट ब्लैक कराने की जरूरत नहीं है, एक वो सेटिस्फेक्शन सी मिलती है ना, एक जो खुरक सी होती है वो मिट चुकी है अपनी। बाकी तो बेल्ट पहनते हैं, उड़ते उड़ते चलते हैं चंडीगढ़। एंड यार कार की लुक भी थोड़ी बहुत डिक्रीज तो हो ही चुकी है जस्ट बिकॉज टिंट उतर चुकी है, स्पॉइलर अपना उतरा हुआ है। भाई वो ये बताओ स्पॉइलर नया लगवाना चाहिए या फिर वही लगवा लूं मैं, कार्बन फाइबर जो है। मेरा तो मन है कुछ नया मिल जाए तो वो लगवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जरूर बताना भाई क्या लगता है आपको। और एक और चीज भी बता देना उसी के साथ से, जब आप लिखोगे कि भाई ये स्पॉइलर लगवा वो स्पॉइलर, कि और कुछ काम कराना चाहिए कार में या नहीं, मतलब ये लीगल वाले यार, क्योंकि आपको आपका यार कहाँ रहता है। और एक ना भाई का कमेंट आ रहा था, भाई तेरा एरिया चंडीगढ़ में नहीं पड़ता है, तो मेरे भाई रोज जाना पड़ता है, तो वही बात होगी ना, चंडीगढ़ है कितना 20 किलोमीटर मुश्किल से पड़ता होगा, तो वही बात होगी ना। घर पे तो मैं कम रहता हूँ, घर पे तो एक तरह से बस सोने आता हूँ मैं, सारा काम ही चंडीगढ़ जीरकपुर पंचकूला में है, तो दिक्कतें तो भाई वो है ना। बाकी तो ठीक है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यही पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।